नबी का फैसला रब का, नबी की हुकूमत रब की, नबी की नजार रब की, नबी की अताअत रब की, नबी से दुश्मनी रब से, नबी की नाफरमानी रब से, नबी से मोहब्बत रब की। यही तो अल्लाह के सामने करे मेरे का मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब यानी महबूब को मुहिब में नहीं, मेरा तेरा जाते दो है, इज्जत सांगी जाते दो है, मामला सांझा जाते दो है, शान सांझी जाते दो है, कमाना सांझी जाते दो है, अता सांझी जाते दो है, मेरा अता करना मुसवा का अता करना
जहां लफ्ज अल्लाह लिखा हो उसके मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ना लिखा जाए। बकायदा ये फतवे जो है वो दागे गए, जाड़े गए इमाम अंबिया को गुलामों। हालांकि कुरान का सलूक ये बताता है, कुरान का तरीका ये बताता है कि ये जाते दो हैं, रब खालिक है, मुस्तफा मखलूक है। रब पैदा करने वाला है, मुस्तफा पैदा होने वाले हैं, जाते दो हैं, लेकिन इन दोनों जातों का एतबार एक है। माना क्या, रब रब है वो खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, लेकिन दो होने के बावजूद इनकी इज्जत भी है, इनकी अताअत भी है, इनकी रजा भी है, इनकी नाराजगी भी है। जिसने मुस्तफा को सताया उसने रब को सताया, जिसने मुस्तफा की गुस्ताही की उसने रब की गुस्ताही की, जिसने मुस्तफा से मांगा उसने रब से मांगा, जिसको मुस्तफा ने अता किया उसको मेरे सोने रब ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, मौलाना एहसानुल्लाह बावी साहब। इमाम अंबिया को बुलाओ। आज ये सादा लोग मुसलमानों को ये बात कराया जाता है कि अल्लाह 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 कहा जाए, उसके साथ मुस्तफा का नाम ना लिया जाए, मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नाम ना लिया जाए। और मुस्तफा की मोहब्बत को भी बाद बदबख्त तो ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हुजूर से मोहब्बत की जाए तो ये भी शिर्क हो जाएगा। हालांकि कुरान का सलूक ये है, मुस्तफा की मोहब्बत रब की मोहब्बत है, मुस्तफा की अता रब की अता है, मुस्तफा की इज्जत रब की इज्जत है, मुस्तफा की अता रब की अता है, मुस्तफा का फैसला रब का फैसला है, मुस्तफा का करम रब का करम है, मुस्तफा का लुत्फ सहा रब का लुत्फ सहा है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब हो मेरा। आज कुरान करीम फुरकान हमीद से मैं चंद आयात बजना जिनमें वो अमल जो मुस्तफा का है उसे रब ने अपना अमल करार दिया। यानी महबूब मुहिब में नहीं, बोलो यार, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा तेरा। अब आइए कुरान करीम फुरकान हमीद सुनते चलिए, सुनने के लिए तैयार है? बोलो तो सही, कुरान सुनने के लिए तैयार बैठे हैं? अब देखिए कुरान का सलूक, मुस्तफा को अजियत देना रब को अजियत देना, मुस्तफा को अजियत देना रब, हालांकि रब उसे अजियत दी जाए रब इस शान से पाक है, उसे अजियत नहीं होती। ये तकलीफ ये जिस्म का हासा है, अजियत महसूस करना ये किसका हासा है? जिस्म का। और मेरा रब जिस्म से क्या है? पाक है। लेकिन रब ने फरमाया जिसने मुझे मोहम्मद को अजियत दी ना वो ये ना समझे कि मैंने मुस्तफा को अजियत देकर मैं रब से नाता बना लूंगा। जिसने मुस्तफा को तकलीफ दी उसने मुझे रब को तकलीफ दी। मुस्तफा को अजियत देना
रब को क्या है, अजियत देना। तो रब और मुस्तफा जुदा, हालांकि होना तो यह चाहिए था कि मुस्तफा को अजियत दी, किसी ने तकलीफ दी, तो रब का इसमें दखला ना होता, रब का इसमें मामला ना होता। लेकिन रब ताला ने फरमाया, लोगों याद रखना, मेरे मुस्तफा को अजियत देकर यह ना समझ बैठना कि उसे अजियत देकर, तकलीफ देके तुम जो है वो मेरे मकबूल बन जाओगे। नहीं नहीं, मुस्तफा को अजियत देना मुझे रब को जो है वो अजियत देना। क्यों? यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा, बोलो तो सही ना, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब रब ने दूसरी आयत में मुस्तफा की रजा, रब की रजा, मुस्तफा की रजा, रब की रजा, बोलो ना, मुस्तफा की रजा, रब की रजा। अब रब ने इन दोनों चीजों को भी इकट्ठा जिक्र किया। पढ़िए कुरान की आयत, मुस्तफा की रजा, नबी की रजा, नबी की खुशनुदी, रब की खुशनुदी, नबी को अजियत, रब को अजियत। अब कुरान करीम फरमाता है कि तीसरी आयत करीमा कि मुस्तफा की अतात करना, ये किसकी अतात है? जाते दो है, वो खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, वो परवरदिगार है, ये उसके रसूल है, लेकिन जाते दो होने के बावजूद इनकी इज्जत भी सारी है, इनकी शान भी सारी है। मुस्तफा की अतात किसकी अतात है? रब की अतात। पढ़िए कुरान, आलम की फरमाबरदारी की है, क्योंकि ये महबूब
तो मेरी बारगाह से उसे जो है वो माफी मिल सकती है। फरमाया खबरदार
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ, جو رب کی نافرمانی کرے اس کے لیے بھی جہنم ہے, جو میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کرے اس کے لیے بھی جہنم ہے. سبحان اللہ. خالدین فیھا ابدا, جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جلے گا. پروردگار یہ تو بتا, مصطفیٰ کی نافرمانی تیری نافرمانی, مصطفیٰ کی نافرمانی کی جزا سزا وہ بھی جہنم, تیری نافرمانی اس کی سزا اس کی جزا وہ بھی جہنم. اب آدت یہ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نافرمانی اصل میں در حقیقت رب العزت کی جو ہے وہ نافرمانی کر. اے پروردگار یہ تو بتا, جو نبی کا دشمن ہو تو تیرا وہ دوست بن سکتا ہے؟ رب سے پوچھ لیتے ہیں نا, آپ تو کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہے, لیکن رب سے پوچھتے ہیں, اے رب سنے یہاں یہ بتا. حالانکہ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ جو اب آیت کریمہ میں پڑھنے لگا ہوں نا, اس میں جن لوگوں کی ذکر ہے نا وہ رب کو مانتے تھے. رب کو کیا کرتے تھے؟ یہودی بھی رب کو کیا کرتے تھے, عیسائی بھی رب کو کیا کرتے ہیں, منافق جو تھے پہلے یہودی تھے پھر منافق بنے, وہ بھی رب کی الوہیت کے کیا تھے, قائل تھے, رب کو مانتے تھے, رب سے دوستی کی پیگے بناتے تھے, رب کو یاد بھی کرتے تھے, اس کا ذکر بھی کرتے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ سے دشمنی رکھتے تھے. میرے مصطفیٰ سے, رب نے یہ نہیں کہا سونے مصطفیٰ مجھے تو مانتے ہیں اور میری تو مانتے ہیں, مجھے تو ایک مانتے ہیں, تیری رسالت نہیں بھی مانتے تو کیا ہوا؟ نہیں, فرمایا سونے مصطفیٰ جو تجھے نہیں نہ مانتا مجھے رب کو مان بھی لے گا اس کو کبھی نہیں مانتا. بولو تو صحیح نا, بولو تو صحیح ایک بار. رسول سے دشمنی رکھی, وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یاد رکھ لے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھے خلق کائنات سے سزا جو ہے وہ بڑی سخت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. آگے رب تعالیٰ نے ایک اور معاملہ بیان کیا, دونوں کی عطا ایک عطا ہے, ذاتیں کتنی ہیں؟ دو, ایک خالق ایک مخلوق, ایک مالک ایک مملوک, ایک ساجد ایک مسجود, ایک وہ جو سجدہ کرتا ہے محمد عربی, ایک وہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے, ساری کائنات کا مالک خالق رب العزت. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عطا کرنا مصطفیٰ کا عطا کرنا ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح نا. یا نا رب تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا, منافقوں کو نا میرے مصطفیٰ نے مال غنیمت عطا کیا, اب جو حصے میں آیا جتنا آتا تھا تاجدار کائنات نے انہیں عطا کر دی. اب رب نے نہیں دیا تھا, رب نے ان کے ہاتھوں میں ڈالا تھا کشادی تھی, رب ان کے سامنے آیا تھا؟ اور بولو تو صحیح نا. دیا کس نے تھا؟ مصطفیٰ نے. تقسیم کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ نے. جب وہ پرے ہٹے نا تو مصطفیٰ کے بارے میں جملے کس نے کہنے لگے کہ مصطفیٰ نے اپنوں کو زیادہ دیا ہمیں تھوڑا دیا, تو رب تعالیٰ نے اسی وقت گرفت کر دی. بولو نا. کس نے کیا تھا؟ تقسیم کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے.
मुस्तफा से लेने के बाद कहे अल्लाह काफिया, तो रब तआला ये अता का दरवाजा बंद नहीं करेगा। फरमाया सयुतीन अल्लाह मिन फदलिही, अल्लाह अपने फजल से, वरसूलहू और उसका रसूल। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यहां हसिया दो हैं, अता करने वाले दो हैं, चाहिए तो ये था अरबी ग्रामर में तस्निया के लिए सीगा इस्तेमाल होता है, अलहदा होना तो ये चाहिए था। रब तआला फरमाता सयुतीन अल्लाह मिन फदलिहिमा वरसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल अपने अपने फजल से, अपने अपने करम से, अपनी अपनी रहमत से उन्हें दोबारा अता करता। अता करने वाले दो हैं, फजल एक का जिक्र है मिन फदली ही, उसके फजल से पता चला मुस्तफा का अता करना रब का अता है। मुस्तफा की अता रब की अता है, मुस्तफा का फजल रब का फजल है। आगे रब ने जो बड़ी प्यारी बात कही कि रब भी उन्हें अता करता, रब का मुस्तफा भी अता करता रब के फजल से, रब के फजल से, क्योंकि मुस्तफा का अता ये भी रब का क्या है, करम है। उसका करम कोई जुदा नहीं है, उसका फजल कोई जुदा नहीं है, उसकी रहमत कोई जुदा नहीं है। रब की रहमत, मुस्तफा की रहमत, रब का करम, मुस्तफा का करम, रब का फजल, मुस्तफा का फजल। और आगे क्या फरमाया इन्ना इलल्लाही राहिबून, और कहते क्या लिया किससे, मुस्तफा से लिया किससे, मुस्तफा लिया किससे, मुस्तफा। कहते क्या इन्ना इलल्लाहि राजिबून, हम को अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, और देने वाला कौन है, मालिक नीमत किसने तकसीम किया, मुस्तफा ने, मेरे पाक नबी ने। और मुस्तफा से लेकर वो क्या कहते हमें अल्लाह ने भी दिया, हमें अल्लाह ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने भी दिया, अपने फजल से दिया। इन्ना इलल्लाहि राजिबून, हम तो अल्लाह के कुएं पे आए हैं, हम तो अल्लाह की चौकट पे आए हैं, हम तो अल्लाह के दर पे आए हैं। पता चला मुस्तफा का दर ही रब का हकीकी दरवाजा, मुस्तफा की बारगाह ही रब की बारगाह, मुस्तफा की चौकट ही मेरे परवरदिगार की चौकट। अब आइए आगे भी चलते, आगे चलते दर कायनात के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये बताओ अल्लाह खास एक शहर में है, बोलो ना, खास एक शहर में है, नहीं। कोई जगह है जो उस रब को मकीन बना सके, नहीं। बोलो ना, नहीं। अब आओ ना कुरान करीम फुरकाने मीम की आयत करीमा। अच्छा, जितने सहाबा ने हिजरत की है मदीना की तरफ, उन्होंने अल्लाह की तरफ हिजरत की थी, बोलो ना, नहीं। किसकी तरफ हिजरत की थी, अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह के, क्योंकि रब तो रब का घर की तरह वैसे, बोलो यार, वो अन्ना तो तुम नहीं पता ही है किधर है अल्लाह का घर, कितने वे सोने अल्लाह का घर प्यारा, कितने वे बैतुल्लाह शरीफ, कितने वे मक्का, हूं आयत करीमा सुनते चलो, सुभान अल्लाह। ओ बोलो बोल यार, एक बार गज बज के बोल, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में आ गए ना, तो कई लोग ऐसे भी थे, वैसे तो अहबाब ज्यादा मुस्तफा की हिजरत से पहले ही हिजरत करके हुजूर के हुक्म से मदीना आ गए, हुजूर के आने से पहले ही, और फिर हुजूर के सहाबा ने उनका इस्तकबाल भी किया, जनाबे उमर पहले आ गए थे और कई सहाबा पहले आ गए थे, लेकिन जब तक मुस्तफा भी नहीं गए थे ना, हिजरत का हुक्म जरूर था, लेकिन मक्का में रहना जायज था, मक्का में रहना क्या था, लेकिन जब मुस्तफा चले गए मक्का छोड़कर, रब ने आर्डर जारी किया, फरमाया खबरदार, और मेरा मुस्तफा जब मक्का छोड़ चुका है, तो जिसके पास सलाहियत हो, जिसके पास सवारी हो, जो मक्का छोड़कर मदीना पहुंच सकता हो, जो किसी का गुलाम ना हो, जो किसी काफर की कैद में ना हो, जिसे किसी काफर ने जंजीरें ना बंधी हो, अब अगर वो मक्के में रहेगा ना, हालांकि मक्के में मेरा घर है, बैतुल्लाह है, लेकिन मक्के में रहना अब कबूल नहीं करूंगा, बोलो बोलो, अब मक्के में रहना कबूल नहीं करूंगा, क्यों, और जिधर मेरा मुस्तफा है मैं तो है ही उधर, बोलो बोलो। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, नाम है हजरत जुद्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुजुर्ग सहाबी, आज तक जब ये पैगाम पहुंचा ना कि अब इतना सख्त हुक्म आ गया, ये बुढ़े थे, बड़े बुजुर्ग थे, खुद सवारी नहीं कर सकते, रात के वक्त पैगाम पहुंचा, अपने बेटे को बुलाया,
फरमा जाओ मेरे बेटो तुम मेरे साथ जाते हो ये जाओ नहीं जाते ना जाओ जब मेरे रब का और मेरे मुस्तफा का फरमान आ गया है ऐसा करो मुझे किसी ऊंटनी पर बांध दो और ऊंटनी का रुख मदीने की तरफ कर दो जहां मेरा मुस्तफा है वही जाना चाहता। इमाम अलबिया को बुलाऊं रात के वक्त उन्हें ऊंटनी पर सवार किया मक्के से चले हैं मदीने की तरफ मदीने में कौन है बोलो बोलो मदीने में कौन है मैं अगली गल तुम समझाड़ी मदीने में कौन है रब तो मक्के में भी है रब तो अर्शों में भी है रब तो सारी कायनात में भी है और बोलो बोलो मदीने में कौन है मुस्तफा जब वो चले ना तो रस्ते में उनकी कजा आ गई मौत पाकी हो गई जब कजा का वेला आया ना तो मदीने की तरफ ना यूं हाथ पड़ा सुभान अल्लाह अल्लाह की तरफ भी हाथ पड़ा सुभान अल्लाह कहते हैं सोने रब्बा तेरे मुस्तफा का मैंने ना पैगाम सुना था कि अब मक्के में रहना जायज नहीं है तो मैं चला मेरी अब आ गई कजा सोने रब्बा मैं तेरी भी बैत करता हूँ सुभान अल्लाह तेरे रसूल की भी मैं बैत करता हूँ मैं चला हूँ मैं तेरी तरफ चला हूँ अल्लाह के मक्का को छोड़ रहे हैं जहां खुदा का क्या है घर है अब हिजरत किसकी तरफ की है बोलो बोलो हिजरत किसकी तरफ की है मदीना की तरफ मदीना में कौन है मदीना में कौन है लेकिन मेरा अल्लाह पति क्या फरमा रहा है पढ़ी है तकरीमा बोलो बोलो गाजी के बोलो एक बार अगली आयत करीमा सुन मेरे नबी का फैसला रब का फैसला
सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, मेरे नबी का फैसला रब का फैसला, मेरे नबी का फैसला रब का फैसला, मेरे नबी का फैसला रब का फैसला। मुनाफिक हुजूर की बारगाह में आते, यहूदी हुजूर की बारगाह में आते, मेरे मुस्तफा फैसला कर। उन्हें ना जाहिरी बात है मेरे मुस्तफा इंसाफ पसंद, जो उनके हक में चला जाता ना फैसला उसे तो वो कबूल करते, और जो उनके हक में ना जाता उसका आई बाई शाई करते और कबूलियत से क्या करते, इनकार करते। कबूलियत से क्या करते, रब ताला ने, हालांकि उनके दरमियान का रब की आवाज आती थी, बोलो ना, उनकी बात रब सुनता था, परया रब लगाता था, पंचायत रब की लगती थी, अदालत उधर रब की को मदीने में लगती थी, नहीं लगती थी। वैसे सारी कायनात की अदालत उसी की, सारी कायनात में फैसले उसी के, वही हुक्म रहा कि नहीं। लेकिन जो सही मामला था, अदालत किसकी लगती थी, फैसला कौन करता था। अब रब ने उस फैसले को यह नहीं कहा कि ये उसका सिर्फ फैसला है। बोलो बोलो एक बारी गज बज के बोलो, जब वापस सरकार लौटे ना और गज़वाए तबूक से, तो क्योंकि ताजदारे कायनात ने कहा था कि एक दिन वक्त आएगा हम रोम भी फतह करेंगे। सुभान अल्लाह। रोम क्या होगा, फतह होगा, फतह होगा। तो मुनाफिक भी लश्कर में शामिल थे, आपस में ना चे मगोइयां कर ले, कहने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोम फतह करेंगे, और ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, और रोम फतह नहीं होगा, रोम फतह नहीं होगा। और हुजूर के बारे में ना मजाक करने लगे, हुजूर के बारे में क्या करने लगे, मजाक करने लगे। रब ताला ने ये बात भी बर्दाश्त नहीं की, मजाक किसके बारे में किया था, बोलो ना यार, और बोलो किसके बारे में, क्योंकि मुसलमान खबर को जाहिरी जो असबाब थे ना उनके खिलाफ थे। जाहिरी तौर पर रोम उस वक्त सुपर ताकत दुनिया की मानी जाती, रोम और ईरान इनको फतह करना बहुत मुश्किल था, और मुस्तफा ने कहा था ओ बनी मुस्तलिक से वापस लौटने वालों, ओ गज़वा तबूक से गाजियान वापस आने वालों, एक दिन आएगा रब रोम भी तुम्हारे कदमों में डालेगा, ईरान भी जो है वो तुम्हारे घोड़ों के नीचे आ जाएगा। मुनाफिक ना आपस में कहने लगे ओए मोहम्मद अरबी ने इतनी बड़ी बात कर दी है। पता चला मुनाफिकों को पहले दिन से सरकार का इल्म गैब गवारा नहीं है, क्योंकि ये मुस्तकबिल की खबर थी, और मुस्तकबिल की खबर देना ये एक सच्चा नबी। आपस में ना उन्होंने मजाक किया, अब मजाक किसका बनाया था, मुस्तफा का, किसका बनाया था, नबी पाक का। लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि मेरे नबी का तुमने इस्तेहज़ा किया, तुमने मेरे नबी का मजाक नहीं किया, रब ने उस मजाक को भी अपनी जात का मजाक करा दिया। वाला
तो सिर्फ रास्ता तय करने के लिए, सफर आसान करने के लिए, ना कुन्ना न खूद व न लब, हम तो वैसे ही मजाक में गप्पे शप्पे मार रहे थे। वहां उस जात जिसके बारे में गप्पे हो रही थी वो कौन था? अल्लाह का रसूल है। क्योंकि मुनाफिक भी अल्लाह के बारे में अल्लाह की उलूहियत को मानते हैं, अल्लाह के इलम को मानते हैं, अल्लाह की हिकमत को मानते हैं, अल्लाह के खजानों को मानते हैं, अल्लाह की मिल्कियत को मानते हैं, अल्लाह की इज्जत को मानते हैं, अल्लाह के फैसलों को मानते हैं, अल्लाह की उलूहियत पर परवरदिगारी सबका इकरार करते हैं। लेकिन मेरे नबी, नबी की नबूवत, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी के कमालात, मेरे नबी के फ्यूज़ो बरकात, मेरे नबी की अता, मेरे नबी की जूतो सहा, उसका इनकार करते हैं। कहने लगे हमने मजाक किया, अब रब ताला ने जवाब दिया, महबूब का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि अबिल्ला है, तुमने तो उस परवरदिगार का भी मजाक बनाया है। क्योंकि यारी रब की इज्जत, नबी का फैसला रब का फैसला, नबी की हुकूमत रब की, नबी की रजा रब की, नबी की अताअत रब की, नबी से दुश्मनी रब से, नबी की नाफरमानी रब है, नबी से मोहब्बत रब की मोहब्बत है। यही तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब को मुहिब में नहीं, मेरा तेरा जाते दो है, इज्जत सांझी जाते दो है, मामला सांझा जाते दो है, शान सांझी जाते दो है, कमालात सांझे जाते दो है, अता सांझी जाते दो है, फरमाबरदारी सांझी जाते दो है, मोहब्बत भी दोनों की सांझी। नारे तकबीर, आपके उल्लाह।